पाकिस्तान ने ख्वातीन को एम्पावर करने के लिए एक स्कीम का आगाज किया है जिसको वुमेन फाइनेंसिंग स्कीम कहा जाता है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम बैंकों को पाबंद किया है कि वो वुमेन फाइनेंसिंग स्कीम करें। और इसी सिलसिले में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी NBP वुमेन फाइनेंसिंग प्रोडक्ट का आगाज किया है। इसके लिए आप अकेले भी कारोबार कर सकते हैं या किसी पार्टनरशिप मिलकर भी आप अपना कारोबार कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ ख्वातीन ही अहल होंगी जो अपनी दरख्वास्त दे सकती हैं, और इसके लिए आप 5% मार्कअप के जरिए 2.5 मिलियन से 5 मिलियन तक, यानी कि 5 साल की होगी। इसके लिए जो एज रखी गई है वो 22 साल से 65 साल के दरमियान है, और जो आप कारोबार कर सकते हैं उसमें आप अपनी कोई बुटीक खोल सकते हैं, तालीमी इदारा, ट्यूशन सेंटर, हॉस्पिटल, क्लिनिक, डेयरी फार्म, और कोई भी किसी किस्म का जो आप कारोबार करना चाहते हैं वो स्कीम के तहत आप हासिल अपना कारोबार कर सकते हैं। इस लोन की मुद्दत 5 साल रखी गई है, यानी कि 2027 तक, जुलाई 2027 तक आप ये लोन अवेल कर सकते हैं। और इसमें अगर आप फ्रेश लोन लेंगे तो आपको 15% इक्विटी, और अगर आपका ऑलरेडी पहले से कोई कारोबार रन कर रहा है तो आपको 10% इक्विटी आपको अदा करनी होगी। यानी कि फर्ज किया अगर आप बैंक से 100 रुपया लोन लेना चाह रहे हैं तो आपको 10 रुपया आप बैंक में जमा कराएंगे, और इसी तरीके से 15 रुपये आप बैंक में जमा कराएंगे, तो इसको इक्विटी कहते हैं। इसी तरीके से जो इसकी मार्कअप की वो पेमेंट है, तो आपको क्वार्टरली जो है बेस पर इसकी मार्कअप की पेमेंट आपको अदा करनी होगी, और जब आपका ये लोन हो जाएगा तो 6 माह तक आपको किसी किस्म का भी कोई भी मार्कअप अदा नहीं करना पड़ेगा। तो 6 माह के बाद आपकी इंस्टॉलमेंट जारी की जाएगी। को 30 दिन के अंदर अंदर बैंक पाबंद होगा कि वो आपको इसकी अदायगी कर दें। जबकि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म है, CNSE कापी, यूटिलिटी बिल्स की कापी, और जो कारोबार आप करना चाहते हैं उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, और 1 साल की कम से कम बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। और बाकी दीगर इंफॉर्मेशन और मालूम के लिए आप किसी भी बैंक का विजिट करके वुमेन फाइनेंसिंग प्रोडक्ट के बारे में तफसीलात हासिल कर सकते हैं, या अगर आप नेशनल बैंक के किसी ब्रांच में विजिट करना चाहें तो NBP वुमेन फाइनेंस प्रोडक्ट के तहत आप ये लोन ले सकते हैं और मज़ीद तफसीलात भी हासिल कर सकते हैं। बस।